समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत खराब चल रही है। शनिवार को उन्हें देर रात सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल से आने के बाद आजम खान के समर्थकों से कहा था कि वो स्वस्थ नहीं है। उन्होंने इलाज के लिए 2 हफ्ते का समय भी मांगा था। इसके बाद आजम खान अपने बेटे के साथ इलाज के लिए दिल्ली चले आए थे। दरअसल सीतापुर जेल में रहने के दौरान भी आजम खान की तबीयत खराब हुई थी। पिछले साल यानी मई 2021 में आजम खान को कोरोना वायरस हो गया था, जिसके चलते आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनके फेफड़ों में समीकरण बढ़ गया था, जिसकी वजह से करीब 1.5 महीने तक आजम खान को अस्पताल में रखा गया था। इस दौरान उनकी हालत कई बार गंभीर हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति को संभाल लिया था। पूरी तरह से उनकी हालत ठीक होने पर उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद उन्हें फिर से सीतापुर जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें, हाल ही में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई के लिए पहुंचे थे, वहां पर भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। दिल्ली से लौटने के बाद शनिवार की रात उन्होंने फिर से सांस लेने में तकलीफ हुई, जिस पर उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।